दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स में डेटा है, जैसा आप देख रहे हैं इस टाइप से मेरे पास डेटा है, मल्टीपल कॉलम्स है, एक बुक का डेटा है, एक मेरा पोर्टल का डेटा है जहां से मैंने जीएसटी से एक्सपोर्ट किया, राइट। अब मुझे सारे डेटा को मैच कराना, कहीं ये जो मेरा जीएसटी पोर्टल वाला डेटा है इसे ही मुझे मैच कराना है बुक वाले से, कि ये जो एंट्री हमने पोर्टल में की है सारी की सारी सही है कि नहीं। कोई ऐसा तो नहीं एंट्री कि हमने गलती इनवॉइस नंबर डाल दिया हो या वैल्यू डाल दिया, कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ इसके अंदर। तो इसको हम सारा क्विकली आप देखेंगे कैसे मैच कराएंगे, सिर्फ क्लिक्स में मैच कराएंगे, ना कोई फॉर्मूला टाइप करेंगे, ना कुछ हम ट्रू ट्रू मैच कराएंगे, इक्वल टू करके मैच कराएंगे, कुछ भी नहीं, सब कुछ क्लिक्स में यहां पे होने वाला है। और अगर आपने ये मेथड सीख लिया ना तो यकीन मानिए आप अपना ढेर सारा टाइम सेव करने वाले हैं, आपको खुद ही लगने वाला यार ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है, राइट। तो आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई जाती हैं, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर बीआई, पावर क्यूरी, वीवीए मैक्रो, सब कुछ डिटेल में सिखाया जाता है। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहला मेरा बुक का डेटा है, इसी डेटा से मुझे मैच कराना है इस वाले डेटा को। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, दोनों को कंट्रोल टी से टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। इसे भी यहां पे आएंगे, कहीं भी कर्सर रखेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। मेरा दोनों हो गया। सबसे पहले बुक वाले पे आते हैं, यहां जाएंगे डेटा टैब पे जाएंगे और गेट एंड डेटा पे आपको यहां पे मिलेगा क्या, कम ये फ्रॉम अदर सोर्स फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज। तो ये जो है हमारा, इसे हम बोलते हैं ETL टूल के नाम से जाना जाता है, पावर क्वेरी भी इसे बोलते हैं। तो अगर आपके एक्सेल में ये नहीं आ रहा, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने इस फीचर को 2010 में इंट्रोड्यूस किया था, तो अगर आपके एक्सेल में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाएंगे या आप गूगल पे सर्च करेंगे पावर क्वेरी एडिंस, ठीक है, और आप जाके उसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये डेटा टैब के अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा नाम से आ जाएगा आपका। अगर आपका एक्सेल अपडेटेड वर्जन है, 2016 के बाद का है वर्जन, तो आपको उसमें इनबिल्ड मिलने वाला है डेटा टैब के अंदर, राइट। तो यहाँ पे क्या, गेट एंड डेटा पे जाएंगे और यहाँ हम फ्रॉम अदर सोर्स में फ्रॉम टेबल रेंज इसको ले लेंगे, राइट। बहुत ही सिंपल चीज है और आपका काफी ढेर सारा टाइम सेव होने वाला है। ये डेटा मेरा आ गया, बस यहाँ से क्लोज एंड लोड टू कर देना है और जस्ट आपको क्या करना है, ओनली क्रिएट कनेक्शन पे सिलेक्ट करना और ओके। ये पहला काम मेरा बन गया, इसमें मैंने कनेक्शन बना लिया पावर क्वेरी एडिटर के विंडो में, राइट। दूसरे पोर्टल पे आएंगे, डेटा टैब पे गेट एंड डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम अदर सोर्स में फ्रॉम टेबल रेंज पे जाएंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, हम डेटा बिल्ड कर लेंगे, राइट, इसका कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको एडिंस इंस्टॉल करने में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ आप हमसे मैसेज करके भी बातें कर सकते हैं, राइट। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया या अब जी टेक्निकल फोरम हमारा इंस्टा का आईडी है, वहाँ भी ढेर सारे आपको शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिलते हैं जिससे आपके नॉलेज और भी बूस्ट होने वाले हैं, राइट। तो ये दोनों जब आ गया, इसको भी क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड टू करेंगे और यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन करके ओके कर देंगे, राइट। ये दोनों मेरा काम हो गया। अब हमें डेटा टैब पे जाना है, गेट एंड डेटा पे कंबाइन क्वेरीज है, यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करेंगे, राइट। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कितनी आसान भाषा में सिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ध्यान से समझो, पोर्टल वाले डेटा को मैच कराना है बुक वाले डेटा से, कि ये जो पोर्टल का डेटा है सारी एंट्री सही है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसे लेंगे जिसको मैच कराना है, तो टेबल थ्री, पोर्टल वाला डेटा हमारा टेबल थ्री है क्योंकि बुक वाले को हमने टेबल पहले कन्वर्ट किया था, टेबल टू ये था, ये मेरा पोर्टल का डेटा है, राइट। अब यहाँ पे लेंगे हम कौन, बुक वाला, क्योंकि इसी से मैच कराना है, राइट। देखो यहाँ लिख भी रहा है ना, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड, यानी इसी से मैच कराना है ना, ऑल फ्रॉम फर्स्ट यानी फर्स्ट में मेरा पोर्टल का डेटा हो गया, तो जिस भी डेटा से मैच कराना है उसको आप सेकेंड में सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ मेरा ये मैंने इसको सेकेंड में डाल दिया। चलो यहां पे मैंने लेफ्ट आउटर सेलेक्ट करेंगे, बाकी बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं आपको, ठीक है। तो यहां मैंने लेफ्ट आउटर लिया। अब यहां पे क्या करेंगे भाई, कौन कौन सा डेटा मैच कराना है मुझे पता होना चाहिए भैया, पहले डेट,
डेट यहाँ लिया, भैया जीएसटी नंबर लिया। देखो इनवॉइस नंबर हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस नंबर का सीक्वेंस कुछ और है और आपको पता है पोर्टल में हमारा सीक्वेंस कुछ और होता है। तो आप पहले दोनों का सीक्वेंस सेम कर लेना और फिर आप इनवॉइस नंबर को भी सेलेक्ट कर लेना, और भी अच्छा होता है। तो हम अभी इनवॉइस डेट लेंगे, जीएसटी नंबर लेंगे और टैक्सेबल अमाउंट। नेम को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हो सकता है नेम की स्पेलिंग इधर उधर हो, तो मेन हमारा डेट हो जाएगा जीएसटी नंबर और टैक्सेबल अमाउंट इसको। और आप इनवॉइस नंबर को भी कर लेना सही करके, उसके बाद इसको भी सेलेक्ट कर लेना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और भी अच्छे तरीके से। अभी आपको हम समझा रहे कैसे मैच कराया जाता है, देखो कितनी आसान भाषा में आपको बता देगा, इतना डेटा मैच नहीं कर रहा। ये तीनों हो गया। टेबल टू में भी सेम सीक्वेंस हमें सेलेक्ट करना, जैसे इनवॉइस नंबर हमने पहले पर रखा है तो यहाँ भी पहले पर कंट्रोल की को होल्ड करके आप वन बाई वन सेलेक्ट करना इसे। यहाँ भी कंट्रोल की को होल्ड करेंगे पहला इनवॉइस नंबर, क्योंकि यहाँ हमने पहला इनवॉइस नंबर है, दूसरा आपका जीएसटी नंबर यहाँ है, तो ऐसा नहीं कि दूसरा आप टैक्सेबल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, दूसरा भी आप यहाँ जीएसटी नंबर, तीसरा टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ भी तीसरा टैक्सेबल। अब जैसे ही मैंने तीनों को सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे देखो टोटल 169 रोज डेटा है किसमें, हमारे इसमें जो पोर्टल वाला, इसमें टोटल हमारे पास 169 डेटा है, जिसमें से 133 मैच कर गया, बाकी रेस्ट 36 मैच नहीं किया। तुरंत पता चल गया अब वो कौन सा डेटा है जो मैच नहीं किया, बस आपको ओके करना है, राइट। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ आपको एक्सपेंड करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे हम लुकअप लगाते थे तो हमें कौन कौन सा कॉलम की वैल्यू चाहिए थी, लुकअप के अगेंस्ट में कॉलम इंडेक्स नंबर हम देते थे ना, तो यहाँ भी कोई भी आप सेलेक्ट कर लो, मान लो टैक्सेबल अमाउंट, बस हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि पता करने के लिए कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं, तो जो नहीं मैच कर रहा है ना उसके आगे नल लिख के आ जाएगा। तो हम टैक्सेबल अमाउंट को ले लेते, ओके। तो अभी आप देखो जो मेरा डेटा, ये मेरा कौन सा है, बुक वाला डेटा है, टोटल आप देखोगे मैं कंट्रोल ए करूंगा तो यहाँ पे देखो टोटल आपका यहाँ पे चलो मैं दिखा दूंगा अभी आगे, 169 रोज डेटा है हमारे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो मेरा डेटा है, यहाँ पे देखो जो डेटा मेरा मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो नल लिख के आ रहा होगा, ये देखो नल, ये डेटा है जो मेरा मैच नहीं कर रहा, कहाँ से, बुक वाले डेटा से। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लूँगा और नल सेलेक्ट कर लूँगा और ओके। तो ये मेरे पास इतने सारे डेटा हैं जो मैच नहीं कर रहे बुक वाले डेटा से, बुक वाले डेटा से मुझे पता चल गया नहीं मैच कर रहे। अब मैं क्लोज एंड लोड टू कर दूंगा, क्लोज एंड लोड कर देंगे यहाँ पे, तो मेरे पास वो डेटा आ जाएगा जो हमारा डेटा मैच नहीं कर रहा। तो इजीली हम फाइंड कर लेंगे, हमें क्विकली पता चल गया कौन सा डेटा हमारा मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ सबसे पहले चलो इसी पे आते हैं, ये डेटा है मेरा मैच नहीं कर रहा कहाँ, बुक वाले से, ठीक है। तो ये देखो इनवॉइस नंबर क्या है, 947 है, राइट। डेट क्या है, 6/12। तो मैं इस जीएसटी नंबर को कॉपी करूंगा, बुक वाले पे जाऊंगा, क्योंकि बुक वाले में ही मैच नहीं कर रहा, मैंने कंट्रोल एफ करके फाइंड किया, तो मेरा ये आ गया 947। या मैं यहां से इस पे ये जीएसटी नंबर आ गया, मैं राइट क्लिक करूंगा, फिल्टर वाइज सेलेक्टेड सेल वैल्यूज, भैया ये आ गए इतने सारे मेरे ये नंबर एंट्री हुई है हमारी बुक में, राइट, हमने पोर्टल में डाला है। तो पहला मेरा क्या था, ये था, सॉरी पहला मेरा यही वाला था। तो इसमें मेरा इनवॉइस नंबर क्या है, 947, डेट क्या है, 6/12, टैक्सेबल वैल्यू 42,624, राइट। तो बुक वाले में जाएंगे, 947 यही है, 6 दिसंबर था, जीएसटी नंबर ये था। यहाँ पे देखो टैक्सेबल अमाउंट कुछ अलग है, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा पोर्टल है, पोर्टल वाले डेटा में ये है टैक्सेबल अमाउंट। अगर मैं यहाँ पे जाके भी दिखाऊंगा आपको तो ये देखो यही टैक्सेबल अमाउंट है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो ये है ना 947, ये देखो इसका टैक्सेबल अमाउंट यहाँ क्या है, 42,624, वही चीज़ तो यहाँ पे आ रहा है 42,624, लेकिन बुक वाले में कुछ अलग है। तो अब आप बताओ क्या आपका बुक का डेटा अगर गलत है, यहाँ आपको 42 करना था, यहाँ आपने 36 ही मेंशन किया, या यहाँ 36 था यहाँ आपने गलती से 42 डाल दिया, ये भी हो सकता है, तो आप करेक्ट कर लेंगे, मैच हो गया ना। तो इतने डेटा, अभी देखो मैं यहाँ से मैं यही वैल्यू कॉपी कर रहा हूँ और बुक वाले में डाल के पेस्ट कर दिया। अब देखो क्या बेनिफिट है इसका मर्ज वाले का, अब बस जस्ट यहाँ से रेफ्रेश कर दूंगा, क्या करूँगा रेफ्रेश, तुरंत ये देखो अमाउंट हट गया, मैच कर गया। अब मेरे पास टोटल अमाउंट अगर आप देखोगे तो कितना आएगा आपको पता है, टोटल अमाउंट मेरे पास कितना हो गया, 35 हो गया, पहले 36 था अब 35 हो गया, सेलेक्ट करके देखना, एक हट गया, ऑटोमेटिक रेफ्रेश हुआ। जो चीज़ें हम पावर क्वेरी एडिटर में करते वो ऑटोमेटिक क्या, स्टेप बाय स्टेप जो हमने फॉलो किया वो सारा ऑटोमेटिक, एक तरह ऑटोमेशन का काम करता है। अब जैसे जैसे आप मैच कराते जाएंगे, रेफ्रेश करते जाएंगे, यहाँ हटता जाएगा, दैट मींस आपकी श्योरिटी होती जाएगी कि हाँ मेरा पूरा डेटा मैच कर गया है ना, कितना पावरफुल। चलो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां पे ये मेरा दिखा गया, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा फिर से इसमें एडिटर में ये ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको एक और ट्रिक्स बताता हूं, ध्यान से समझना।
मैं इसको हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा। अगर आप ये सारी चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हैं ना, बेसिक टू एडवांस एक्सेल, तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमने सारी चीज़ें कंपनी बेस्ड वर्क पे सिखाई है, सिर्फ 699 में सिखाई, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम दिया है, हर आपके हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस फाइल देंगे, असाइनमेंट देंगे, चैट का सपोर्ट देंगे, कॉल का सपोर्ट देंगे, जहां आपके डाउट इंस्टेंट क्लियर होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो चीज़ें हम बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, आप हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, वहां पे विजिट करिए, लॉट्स ऑफ फीडबैक अवेलेबल है बाय फेस, लोगों ने दिए हैं जो चीज हम बोल रहे हैं सही है। रेटिंग देखिए हमारे ऐप की 4.9 है, फीडबैक पढ़िए, उसके बाद कोर्स में एनरोल करिए। और इस कोर्स में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला, आपके पास अगर कोई आपकी रियल टाइम खुद की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ऐप के अंदर चैट मैसेज करके, हमने सपोर्ट आपको दिया, कॉल सपोर्ट दिया है, सारा कुछ आपको मिलने वाला है और आपके डाउट इंस्टेंट क्लियर होने वाला है। आपको लगेगा कि हाँ हमें कोई मिल गया है गुरु जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि आप कहीं भी मैसेज या रिप्लाई करते हैं या कमेंट करते हैं, कोई 4 दिन बाद रिप्लाई करता है, कोई 5 दिन बाद, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। कोर्स भी मिलेगा, सारी सर्विस भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप एक MIS एग्जीक्यूटिव है या कोई कंपनी में काम करते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हेल्प भी करने वाले इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, आपके आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे ऐसे कर लो, राइट। तो सारे सपोर्ट देंगे आपको। तो देखो अभी मैं क्या बताने वाला था, मैं इसको पहले हटा देता हूँ सारा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाओ परचेज करो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, ऑफर बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए, क्योंकि कोर्स का एक्चुअल प्राइस ये नहीं है जो मैं। तो यहाँ मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने डेट दोनों में सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, 169 ऑफ 169 रोज मैच, माने डेट सही है हमारा, सारा का सारा डेट मैच कर गया। चलो अभी मैं GST नंबर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ पोर्टल वाले डेटा पे, और इसमें तो यहाँ पे देखो 169 मेरा पोर्टल में डेटा था, लेकिन 157 ही मैच किया, और हमारा 169 में से 157 मैच किया, यानी मेरा 12 डेटा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा था। हो सकता है हमने GST नंबर गलत डाल दिया हो इसमें। अभी मैं इसको ओके करता हूँ, देखो कैसे पता चलेगा। ओके किया, यहाँ पे गया एक्सपेंड, कुछ भी ले लेंगे, यहाँ मान लो मैं लिख लेता हूँ टैक्सेबल अमाउंट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नल कर देता हूँ, राइट, नल मान लो, ये ओके कर दिया, तो ये इतना डेटा मैच नहीं कर रहा मेरा GST नंबर से, राइट। तो अब इसको देखो क्लोज एंड लोड करूंगा, ठीक है। अब 1x1 भी ऐसे भी मैच करा सकते हैं, तो कितना कंफर्टेबल हो रहा है ना, पहले आपने GST करेक्ट कर लिया सारा जो भी करना। अब यहाँ पे GST नंबर कुछ और है, 19/12 को ये GST नंबर है, राइट, ये देखो 19/12 GST नंबर ये है, ये टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है। बुक वाले पे आएंगे, पहले मैं यहाँ से फिल्टर हटाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो GST में मैच कर रहा हूँ यहाँ पे ये बुक वाले में है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, राइट। तो ये सारे उतने GST नंबर है जो वहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ मुझे दिख नहीं रहा है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बुक वाले में डेटा है नहीं, लेकिन मैंने पोर्टल में एंट्री कर दी है, राइट। तो ये डेटा मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, पोर्टल में एक बार देख लेंगे कि आपका ये, आप बुक वाले में देख लेंगे कि ये सारे जो GST नंबर हैं कि नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे भी मेंशन आप यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे बुक वाले में, राइट। बुक वाले में जैसे आप अपडेट करेंगे ना यहाँ पे सारी GST नंबर और डिटेल, रेफ्रेश कर देना, ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा, दैट मीन्स आपका डेटा मैच कर गया है। तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं, मैथड होते हैं, और ये सारा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डेटा में क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैसे मैच कराना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे डेटा मैच कराते हैं, राइट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, काफी यूनिक ट्रिक्स है डेटा को मैच कराने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।